हाल चाल है मेरे भाइयों। आज हम बहुत दिनों के बाद इस ब्लॉग को बना रहे हैं, क्योंकि घूमना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है घूमना। तो एक बढ़िया सी रोड ट्रिप की प्लानिंग हो रही है। रोड ट्रिप बोले तो अभी नहीं बताएंगे आपको कहाँ पे जा रहे हैं, वीडियो आएगी बाद में। बट अभी मेरा नीचे इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा है, आप मुझे वहाँ पे कर लो फॉलो, क्योंकि जो रोड ट्रिप की लाइव अपडेट्स होंगी वो आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पे, राइट। सो इस रोड ट्रिप के लिए मैंने क्या चीज़ परचेज करी है, परचेज मीन्स अपनी बाइक की सर्विस मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए। तो बाइक के लिए अभी तक जहाँ से भी जो भी सर्विस करवा रहे थे ठीक है, बट उसके बाद मैंने मोटूल पे, मोटूल के इंजन ऑयल पे शिफ्ट किया, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। बट इस बार हम कुछ अलग लाने वाले हैं। अलग बोले तो मैंने इस बार क्या किया है, ये परचेज किया है, अभी आपको नहीं पता लगेगा। सो फटाफट से एक बार ओपन करता हूँ, इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या है, देन इसको हम लेके चलते हैं मार्केट में और इसको जिस शॉप से हमने रिपेयर करवानी है बाइक, रिपेयर मीन्स थोड़ा इंजन ऑयल चेंज होना है, सर्विस होनी है, बेसिक सर्विस वो कंप्लीट करवाते हैं और ये आपको दिखाते हैं कैसे यूज़ करना है। उससे पहले फटाफट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। सो फटाफट से अब हम इससे दिख रहा हूँ ना मैं, हाँ दिख रहा हूँ, अब फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट इसको चेक करने के लिए कि इसमें मुझे क्या क्या मिलता है। सो एक बार दोबारा आपके सामने इसको फाड़ देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यो 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 लिक्वी मोली। लिक्वी मोली के बारे में जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, लिक्वी मोली एक ऐसा ब्रांड है जो मोटो जीपी की रेसिंग में यूज़ होता है, जो इसके इंजन ऑयल, इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं, फोक ऑयल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, आपका ब्रेक ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें लिक्वी मोली की यूज़ होती है मोटो जीपी में। तो इसकी परफॉर्मेंस एकदम ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। मैंने एक बाइक चलाई थी जिसमें लिक्वी मोली का इंजन ऑयल यूज़ किया गया था, सो मज़ा आ गया था वो बाइक चला के। सो फटाफट से इसमें एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ और क्या क्या आया है हमारे पास, राइट। एक दो और ये हो गया हमारा तीन, राइट। तीन इंजन ऑयल के डब्बे बेसिकली रॉयल इनफील्ड में 3 लीटर इंजन ऑयल 2.5 लीटर डलता है, तो इसलिए उन्होंने एक एक लीटर के तीन डब्बे दिए हुए हैं, थोड़ा पैकिंग करने में आसान हो जाता है उनको। उसके बाद हम बात करें तो हमें ये मिला है इंजन फ्लश। इसका क्या यूज़ है कि जब आपने बाइक को इंजन ऑयल निकालना है उससे पहले इसको डाल के इंजन को पूरा एक बार चला देना है 10 मिनट के लिए। उससे क्या होता है कि इंजन के अंदर जितनी भी डस्ट होगी वो पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। उसके बाद तीन ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब के बारे में आपको मैं बता देता हूँ एक बार, राइट। ये तीन ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब किस काम आती है, जो इंजन के अंदर वाइब्रेशन होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो जो इंजन ऑयल के अंदर वाइब्रेशन होती है ये उसको कम करता है, तो ये ट्यूब उसके अंदर डालनी है। और पूरी सर्विस होने के बाद ये है 40 एडिटिव शूटर। इसका क्या यूज़ है, आपको जहाँ पे आप पेट्रोल टैंक डलता है, पेट्रोल में, पेट्रोल के साथ इसको भी डाल देंगे, सो जो आपकी बाइक की परफॉर्मेंस है, अंदर जो रस्ट है वो इकट्ठा नहीं होगा, ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज़ है। और हमें साथ में एक लिक्विमोली रेसिंग का ये मिला है, सो ओवरऑल बहुत बढ़िया चीज़ है। तो बट इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बेसिकली हुआ क्या, जो इन्होंने मैंने पैकेज लिया था, जो परफॉर्मेंस, इसको परफॉर्मेंस पैक कहा जाता है, जो परफॉर्मेंस पैक मैंने परचेज किया था उसके साथ ऑयल फिल्टर भी था, बट जब मेरे पास प्रोडक्ट आया उसमें ऑयल फिल्टर नहीं था, तो मैंने उनको कंप्लेंट करी थी इस बात की। बट लेटर उन्होंने कहा कि हम आपको ऑयल फिल्टर भेज देते हैं, बट आफ्टर दैट उन्होंने कहा कि सर 300 रुपये का ऑयल फिल्टर है, बट आपको हम जो शिपिंग कर रहे हैं वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 400 के करीब एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस पड़ रही है, क्योंकि ये जो आता है केरला से आता है इसके प्रोडक्ट।
उन्होंने कहा कि हम आपको एक काम करते हैं, ऑयल फिल्टर के पैसे ही आपको रिफंड कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे रिफंड कर दो, मैं बाहर से परचेज कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑयल फिल्टर के पैसे उन्होंने मुझे रिफंड कर दिए। आपने अगर ये परफॉर्मेंस पैक लेना हो, परफॉर्मेंस पैक लेना हो बिल्कुल, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा इनकी वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप परचेज़ कर सकते हो। अगर इंडिविजुअली लेना हो इसका, मैं आपको अमेज़ॉन का लिंक भी दूंगा कि आपको यहाँ अमेज़ॉन से कैसे, कहाँ से परचेज़ कर सकते हो। आप वहाँ पे जाके अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हो। बाकी बढ़िया है यार। और रोड ट्रिप का जैसे आपको मैंने बताया, मैं नहीं बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा आपको। रोड ट्रिप जब चलेगी, इंस्टाग्राम पे आपको लाइव अपडेट मिलेंगी, वहाँ पे देखना, यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी। तो फटाफट से चलते हैं, अभी बाइक की सर्विस करवानी है, और हम बाइक की सर्विस करवाएंगे, उसके बाद ठंड हो चुकी है यार, ठंड में तो ठंड में ही जाने का मजा है। तो देखो देखो सोच के फटाफट से, अगर आपको पता है कि कहाँ जा रहा हूँ तो कमेंट करके बताओ। और वैसे मैं ये बता दूँ कि आप ये वीडियो हो सकता है कल देख रहे होगे, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे मैं ऑलरेडी रोड ट्रिप पे निकल चुका हूँगा। तो ठीक है चलो फटाफट से चलते हैं, बाइक का काम करवाते हैं, और भी दो तीन काम है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो बाइक की सर्विस हमारी हो चुकी है स्टार्ट। अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा इंजन फ्लश है इसको हमने इंजन ऑयल में डाल दिया है, एग्जिस्टिंग इंजन ऑयल, जो पुराने इंजन ऑयल डला हुआ है उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बाइक को 10 मिनट आइडल पे छोड़ देंगे, स्टार्ट करके, स्टार्ट करने के लिए वो अपना न्यूट्रल पे चलती रहेगी, उसको चलाना नहीं है ना एक्सेलरेट करना है। 10 मिनट के बाद हम पुराने इंजन ऑयल को निकालेंगे, और साथ में निकलेगा इंजन फ्लश, जो इंजन की पूरी गंदगी जो है उसको निकाल देगा। निकल चुका है, अब इसके बाद डालेंगे चेन सेट, चेन सेट डल जाएगा, उसके बाद जो नया इंजन ऑयल है वो डलेगा, और साथ में आगे का चीज़ें डलेंगी। वेट करो, टाइम लगता है बाइक सर्विस करने को, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। चेन सेट पूरा चेंज हो चुका है, इसके बाद अब हम चेंज करने लगे हैं इंजन ऑयल। We'll be right back.
सारी सर्विस करवा ली है, सब कुछ हो चुका है, पेट्रोल भी रिफिल करवा लिया, उसके बाद क्या चीज़ रह गई थी, वो एक चीज़ रह गई थी ये, इसको कहते हैं लिक्विड मोली 40 एडिटिव शूटर, एवरेज इंक्रीज करने के लिए और आपकी बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए। और इसको डालने का एक प्रोसीजर है कि आपकी बाइक में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5 लीटर्स का ऑयल होना चाहिए, पेट्रोल होना चाहिए, उसी तभी ये डलेगा। अगर आप उससे कम में डालोगे तो इट माइट बी कि वो आपके इंजन की इंजन को इम्पैक्ट कर सकता है। सो मैंने पेट्रोल फुल करवा दिया है, अब मैं एक काम करता हूँ इसको फटाफट से डाल लेता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने पानी डाल रहा हूँ। सो इसका भी काम हो गया। मुझे लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें डालने के बाद तो बाइक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होने वाली है। तो अब एक दो काम है वो करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। देखते हैं कि वो काम आपको दिखाने वाले हैं या नहीं है। अभी तक के लिए ये है बाइक की परफॉर्मेंस के लिए, सर्विस वाइज सब कुछ हो चुका है, कुछ नहीं बचा है और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बाइक चल रही है। अब फाइनली पूरी बाइक सर्विस हो चुकी है, आज का दिन फ्री हो चुका है, अब मिलेंगे आपको कल ट्रिप के ऊपर, ठीक है। और मैं बाइक करूँ लिक्विड मोली की तो इंजन ऑयल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैंने उसके बाद बाइक चलाई तो मज़ा आ गया, कंफर्टेबल सब कुछ, वाइब्रेशन भी कम है जो उसके अंदर वाइब्रेशन कम करने के लिए हमने एक चीज़ डाली थी। सो उसके बाद की बात करें हम तो एट द एंड मुझे लगता है कि ये हमें सस्ता पड़ेगा, रीज़न बींग कि नॉर्मल अगर इंजन ऑयल यूज़ करते हैं तो कंपनी कहती है वो 2500 से 3000 किलोमीटर बाद चेंज करना पड़ता है, बट लिक्विड मोली कहता है कि इसको इसके लिए अगर आप लिक्विड मोली का इंजन ऑयल यूज़ करते हो आपको 6000 किलोमीटर के बाद, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, एवरेज भी अच्छी पड़ेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, बाइक भी मेंटेन रहेगी। सो एट द एंड हमें ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, अभी यूज़ किया है, देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स लगते हैं इसमें। सो अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय।